परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में तुम्हें बचावेगा, आपसे सदा लौंग। आमीन। हम गीत गाएंगे, प्रोसेशन का गीत में से गीत नंबर 1। Thank you.
6 से 5 हम 22 पद से लगातार 33 पद तक हम लोग सुनेंगे। ए पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे कैसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुरी और कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बाहर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक होंगे। यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भाई बने। आमीन।